नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। ऑनरेबल, अलाहाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसा केस आया है अजीबोगरीब, जिसका जवाब ऑनरेबल हाई कोर्ट को देना थोड़ा मुश्किल हो गया। केस कोर्ट नंबर 80 में था, एप्लीकेशन 482 की थी और न्यूट्रल साइटेशन ऑनरेबल अलाहाबाद हाई कोर्ट का 2024 का है, 2024 AHC 120598। और सवाल इसमें जो है वो बड़ा गंभीर है। सवाल ये है कि एक गुलामुद्दीन और उनके साथ पांच और साथी, तो केस का साइटेशन बना गुलामुद्दीन एंड फाइव अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। इस केस में ऑनरेबल अलाहाबाद हाई कोर्ट के पास एक ऐसा केस आया जिसमें कुछ लोग, कोई इस्लामिक प्रोसेशन चल रहा था, प्रोसेशन से मतलब कोई यात्रा वुत्रा कुछ चल रही थी, उसमें तिरंगा लहरा रहे थे। तिरंगे पर कलमा लिखा हुआ था और कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई थी। कोर्ट मतलब जो FIR हुई, FIR में कहा गया कि अरबी में उसमें कुछ कहा गया था, लिखा गया था। बाद में वो जब कोर्ट जब उसको डिकोड किया गया तो वो कलमा था और कुछ झंडों पर आयत थी, कुरान की आयतें थी। अब सवाल ये पैदा होता है, कुरान की आयतें ये सम्मान है या अपमान है? कलमा ये सम्मान है या अपमान है? सवाल ये भी पैदा होता है कि कुरान बड़ी या संविधान? मुस्लिम आर्गुमेंट तो सीधा रहता है कि कुरान अल्लाह ने दी है और संविधान नीचे लोगों ने दिया है। अब चूंकि नीचे लोगों ने संविधान दिया है, इसलिए अल्लाह ने इंसान बनाया, इंसान ने संविधान बनाया, तो बड़ा कौन? लेकिन जो आज की डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है, जिस प्रकार से भारत एक सेकुलर कंट्री है और विश्व में सत्ता सरकार की होती है और देश एक लीगल इंटाइटी होती है, उस हिसाब से तो राष्ट्र प्रथम होता है। भारत की फिलॉसफी शुरू से रही कि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के आगे कोई ग्रंथ नहीं, राष्ट्र के आगे कोई किताब नहीं, राष्ट्र के आगे कोई ज्ञान नहीं, राष्ट्र से ऊपर कोई धर्म नहीं। जब राष्ट्र सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होता है तो उसका मतलब होता है कि उसकी सबसे बड़ी किताब वो संविधान होता है, वो धर्म ग्रंथ होता है, वही गीता और वही कुरान, ऐसा लोगों का कहना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब राष्ट्र प्रथम संविधान से चलता है और संविधान में कुरान या पुराण को मेंशन नहीं किया गया है, और यहाँ तक कहा गया है कि जो भी रूढ़ियाँ हैं, जो प्रैक्टिस में है, वो तब तक ही है जब तक संविधान के कॉन्ट्रावेंशन में नहीं आता। कानून के कॉन्ट्रावेंशन में आया, मीन्स वी हैविंग एन राइट फॉर द प्रोसेशन, वी हैविंग एन राइट फॉर द फॉर रिलीजियस प्रोपगेशन अप टू द लॉ इज इन्फोर्समेंट इन इंडिया। भारत में कानून जहाँ पर है वहीं पर ये सब खत्म हो जाता है। कानून अनुमति देता है तो चल सकता है, कानून अनुमति नहीं देता तो नहीं चल सकता है। पुलिस ने इनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली, इनकी गिरफ्तारियां हो गई, कोर्ट में केस आया, तो नीचे वाले कोर्ट ने नो डाउट रिजेक्ट कर दिया, तो ऑनरेबल अलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। अलाहाबाद हाई कोर्ट में ये लोग कह रहे हैं, मतलब जो बेल मांगने के लिए गए, उन्होंने कहा कि साहब ये जो झंडे की बात कही गई है, उनका काउंसिल कह रहा है कि ये जो झंडे की बात कही गई है, ये झंडा है तो तिरंगा है, तो मतलब तीन लाइनें हैं, तीन कलर हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय ध्वज है कि नहीं है ये प्रूफ नहीं हो पाया। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि राष्ट्रीय ध्वज था कि नहीं था। अगर कुरान की आयतें राष्ट्रीय ध्वज पर हैं, राष्ट्रीय ध्वज पर कलमा लिखा हुआ है, तो एक बार कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन अगर इस पर कलमा नहीं लिख, अगर ये राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं है, तो किसी भी उस पर, किसी भी कपड़े पर कलमा लिख लेना, किसी भी कपड़े के ऊपर कुरान की आयतें लिख लेना, ये तो अधिकार है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में AGA जो प्रेजेंट हुए, उन्होंने कहा कि जिसने स्टेटमेंट दिया है वो कांस्टेबल खुर्शीद आलम, एहसानुल्ला और रामदास, ये तीन विटनेसेस हैं। एक विटनेस है खुर्शीद आलम, जिसके सामने ये सब कुछ हुआ, दूसरा विटनेस है एहसानुल्ला, जिसके सामने सब कुछ हुआ, और तीसरा विटनेस है रामदास, जिसके सामने सब कुछ हुआ। यानी कि पुलिस ने जब ये देखा तो पुलिस ने FIR लिखी और वहाँ पर मौजूद ड्यूटी पर कांस्टेबल्स ने इस बात की गवाही दी।
वो झंडे जब्त किए गए, जब्त करने के बाद उसकी डीकोडिंग हुई, डीकोडिंग में पता लगा कि ये राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर ये लिखा हुआ है। अब सवाल एक और जहन में आता है कि कुरान की आयतें लिखी हैं तो ठीक है, कुरान की आयतें लिख दी हैं, किसी ने भूलवश लिख दी होंगी, नहीं अंदाज़ा लगा, उसको लगा होगा कि मेरा ये सर्वोच्च रिलीजियस ग्रंथ है और सर्वोच्च रिलीजियस ग्रंथ अगर ध्वज पर लिखा जाए तो और सम्मान बढ़ेगा। हो सकता है, मैं इसको क्लैरिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि उसके दिमाग में ये बात रही हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि झंडे पर, भारत के ध्वज पर कलमा लिखना, कलमे के विषय में जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी गैर मुस्लिम को अगर मुसलमान बनाना होता है तो उससे कलमा दोहरवाया जाता है, यानी कि मुल्ला, मौलवी, आलिम कोई भी है, वो उसको कलमा पढ़वाता है और कहता है जैसा हम बोलें वैसा तुम बोलते चले जाओ, उसके बाद तुम मुसलमान हो जाओगे। तो ध्वज पर कलमा लिखना ये क्या इंटेंशन दर्शाता है? ध्वज का मतलब है राष्ट्रीय प्रतीक, ध्वज का मतलब है राष्ट्र का गौरव, ध्वज का मतलब है राष्ट्र, और ये राष्ट्र डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक राष्ट्र जिसको आप कह रहे हैं। तो क्या ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक राष्ट्र पर कलमा लिखने का मतलब क्या निकाला जा सकता है? क्या हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री घोषित करने की घोषणा है? ये बड़ा सवाल ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आया और हाई कोर्ट के सामने ये विवाद लगाने की कोशिश की। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे पास इस विषय पर दो कानून हैं, उन कानूनों को अगर ध्यान में लगते हैं तो फिर इसको देख लेते हैं भाई उन कानूनों के अनुसार चलता, क्योंकि भारत तो कानूनों का देश है। इन इंडिया देयर इज अ लॉ एंड एनफोर्समेंट, भारत में तो कानून का शासन है, ना कुरान का शासन है, ना पुराण का शासन है, ना किसी ग्रंथ का शासन है, ना किसी व्यक्ति का शासन है, ना ही किसी ऐसे अदृश्य शक्ति का यहाँ पर शासन, यहाँ पर तो कानून का शासन है और अंग्रेज ये हमको दे गए। इसलिए यहाँ पर जब बात कही गई तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे पास दो कानून हैं, पहला है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। क्या फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो फ्लैग कोड है 2002 में बनाया गया था उसके अनुसार फ्लैग कोड के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती? फ्लैग कोड पर जो उसका निशान है उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, और दूसरा उन्होंने कहा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ओनर एक्ट 1971, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ओनर एक्ट 1971 की धारा 2 के अनुसार ये राष्ट्र का अपमान है। इसलिए चूंकि जो वर्जन आया है पुलिस का, जो वर्जन आया है इन्वेस्टिगेशन का, उसके अनुसार तो तिरंगे पर ही ये सब कुछ किया गया है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2 ऑफ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 का उल्लंघन है, और ये उल्लंघन के तहत जो मुकदमा चलाया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। बाकी की जो फैक्चुअल सिचुएशंस हैं, बाकी का जो भी दिमाग में है वो ट्रायल कोर्ट में डील होगा। अभी हम इनको बेल नहीं दे सकते, इनकी एफआईआर भी क्वैश नहीं कर सकते। उनकी एफआईआर क्वैश करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया, इनका कहना था कि एफआईआर क्वैश की जाए, पुलिस जबरदस्ती ऐसा कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, और वही एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया, उत्तर प्रदेश की पुलिस एक भगवा सरकार के तहत आती है, वो जबरदस्ती ऐसा कर दिया गया है और लिखने की कोशिश की, और ये वो जो भी वो कह सकते थे वो सब कुछ उन्होंने कहा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि पुलिस के वर्जन में जो बात कही गई है खुर्शीद आलम के द्वारा, जो बात कही गई है वो एहसानुल्ला क्या नाम उनका था उसके द्वारा, और जो बात कही गई है तीसरे कांस्टेबल के द्वारा, वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, पुलिस प्रत्यक्षदर्शी है, एहसानुल्ला और रामदास प्रत्यक्षदर्शी हैं, पुलिस के एविडेंसेस हैं, विटनेसेस हैं, इसलिए यहाँ पर डिनाई नहीं किया जा सकता कि इन लोगों के द्वारा लगाया गया मुकदमा सही लगता है, प्रमेफसाई सही लगता है, और आप लोगों ने इन कानूनों का उल्लंघन किया है, इसलिए हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते, फिलहाल एफआईआर क्वेश नहीं कर सकते, आपने भारत राष्ट्र के गौरव का अपमान किया है, ये बात प्रमेफसाई मान लेनी चाहिए, बाकी जो भी आपको कहना है वो ट्रायल कोर्ट के सामने कहें। मेरे जहन में एक और बात आई कि तिरंगे के ऊपर जो हाथ का पंजा बना हुआ है,
क्या ये तिरंगे के साथ छेड़छाड़ नहीं है? क्या ये प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एक्ट 2002? तो क्या फ्लैग कोड जब ये कहता है कि तिरंगे के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, जो उसका साइज दिया हुआ है, जो उस पर पट्टियाँ दी हुई हैं, जो उस पर चक्र दिया हुआ है और जो कुछ भी एक बार बन गया है उसको छेड़ा नहीं जा सकता, उस पर किसी प्रकार का कोई अन्य कार्य नहीं किया जा सकता, तो क्या हाथ का पंजा उल्लंघन नहीं करता? हाथ का पंजा अगर कुरान की आयत उल्लंघन कर रही है, अगर कलमा उल्लंघन कर रहा है, तो हाथ का पंजा भी बराबर उल्लंघन कर रहा है। तिरंगे के ऊपर किसी हाथ के पंजे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर अनुमति है तो उसको अभी विड्रॉ किया जा सकता है। और कलमा पढ़ना, कलमा लिखना मतलब क्या पूरे राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने के समान है? इस सारे प्रश्न ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऊपर छोड़ दिए और फिलहाल FIR क्वेश्चन करने से मना कर दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।